अगर जरूरत हुई तो उसमें एडिशनल कुछ मटेरियल भी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आमतौर पर आप सभी बच्चे इकोनॉमी के क्वेश्चन को तो बना ही पाए होंगे, और इतिहास में विश्व इतिहास से प्रश्न भी नहीं था, तो इतिहास के प्रश्न तो एज यूजल थे, बहुत ज्यादा उसमें कोई परेशानी थी नहीं। ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप जो मात खाएंगे ना, आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर मात खाएंगे। जो उसका लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, समझने में दिक्कत होती है। अगर मैं उसी लैंग्वेज को आपको ब्रीफ कर दूंगा तो आप तो फिर समझ जाएंगे, आपको लगेगा अच्छा ये है, फिर आप लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन लैंग्वेज ऐसा होता है कि पहली बार में पढ़ने में आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन आप दो तीन बार उसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जरा दिमाग को शांत करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन समझ में आपको आने लग जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले डिमांड रखा है आपसे।